आज से 2 साल पहले मैंने तो गाय खरीदी। गाय खरीद करके उसे गांव में लेकर के आया और गाय के दूध पर, गाय के गोबर पर काम करना शुरू किया। लोगों ने क्या कहा? लोगों ने ये नहीं कहा कि बढ़िया काम किया है गांव में। लोगों ने कहा, बस बस MBA करके, BBA करके, इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी करके, गोल्ड मेडल पाकर अब गाय का गोबर उठाने का काम कर रहा है। मैंने उनकी बात सुनी, तकलीफ हुई, लेकिन इग्नोर किया और एक और नए काम की शुरुआत उसके साथ में करी। मैंने एक JCB मंगाई और अपने खेत में 7 बिस्से का एक छोटा सा तालाब बनाया। तालाब बनाने के बाद उसमें पानी छोड़ दिया। धीरे धीरे पानी भर गया, बच्चे उसमें मस्ती करने लगे। शुभम गया, मछली लेकर के आया, इतनी नहीं ढेर सारी, 28 किलो छोटी छोटी मछलियां। उसके बाद हिमांशु ने उन मछलियों को पानी में छोड़ दिया कि अब जाओ और जल्दी से बड़ी हो। उसके बाद हमने अपनी गाय के गौशाला की नाली तालाब से जोड़ दी ताकि गोबर मछली का खाना हो जाए। गोबर से पानी गंदा हुआ तो गंदे पानी को हर महीने या 2-3 महीने पे खाद वाला पानी बना करके खेत में सिंचाई के उपयोग में लाना शुरू कर दिया। भाई साहब उसके बाद दिमाग और लगाया, उसके बाद बत्तख को मंगाया। बत्तख को मंगाकर उसी तालाब में छोड़ा और बत्तख के आने से पानी में ऑक्सीजन बना। ऑक्सीजन बना तो मछली को फायदा हुआ, और एक और फायदा हुआ, बत्तख के तैरने से मछली का दौड़ना भागना तेज हुआ, जिससे मछली की ग्रोथ अच्छी हुई, मछली जल्दी बड़ी हुई। बत्तख से क्या फायदा हुआ? बत्तख से अंडे मिले, अंडे से पैसे आए, लालच थोड़ा और बढ़ा, उसी पानी के तालाब में एक मचान का निर्माण हुआ। मचान कैसी बनी? ऐसी जिसको आप देखते रह जाएंगे। इस मचान पर क्या हुआ? इस मचान पर लोगों ने आना जाना शुरू करा, अपना बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना शुरू करा और बत्तखों को खाना खिलाना भी शुरू करा। फिर क्या हुआ? एक बोट मंगाई, बोट मंगाकर उसी तालाब में छोड़ी। बोट पर कितने लोग बैठे? 4। एक आदमी का टिकट रखा 25 रुपए, 4 लोग बैठे तो 100 रुपए, 100 रुपए मेरे पास आए। 100 रुपए से क्या हुआ? सिद्धार्थ की गाड़ी में तेल भरा। इसके साथ आगे भी कुछ हुआ। लोगों ने बोटिंग करते समय पैडलिंग भी करी। पैडलिंग करते हुए पानी में छपचपाहट हुई। छपचपाहट से पानी में ऑक्सीजन मिला। ऑक्सीजन से मछली को फायदा हुआ। लेकिन मेरा सोचना दिन रात चलता रहा और तालाब के किनारे वाली जगह पर मैंने मुर्गे और मुर्गियों को पाला। मुर्गियों को पालकर उसके बाद अंडे सेकने में लगाया और मुर्गियों ने अंडे सेक कर उसमें से प्यारे प्यारे चूजों को निकाला। चूजे जब आए तो फिर और परिवार मुर्गे मुर्गियों का बढ़ता चला गया। सिर्फ इतना नहीं, उसके बाद मैंने और भी सोचा और तालाब के किनारे एक झोपड़ी बना करके छोटा सा रेस्टोरेंट खोलने का काम किया। लोगों ने आना जाना शुरू करा और मैंने रेस्टोरेंट में लोगों को बैठाकर क्या खिलाया? मैगी और चाय खिलाना शुरू करा। लोगों को बड़ा मजा आया और लोगों का आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद चारों तरफ कामयाबी मिली, लोगों ने बहुत सराहा, गांव में आकर इतना बढ़िया काम किया। लेकिन कुछ लोग जलने लगे। लोग कहते हैं, इतना अच्छा, इतना अलग सोच कैसे पाते हो? मैं लोगों से कहता हूँ, क्योंकि मैं दिन रात अच्छा सोचता हूँ। जब मैं सोने भी जाता हूँ तो भी नींद में मेरा दिमाग हमेशा चलता रहता है। और हाँ, मैं कभी किसी की बुराई नहीं सोचता, मैं कभी किसी के काम को देखकर जलता नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपना कुछ अच्छा करके दिखाने पर विश्वास रखता हूँ। हाँ, मेरा काम ऐसी जगह पर है जो जिला, जो क्षेत्र बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, इस वजह से बहुत दूर तक मेरा काम नहीं पहुँच पाता, तो अधिक लोगों को मैं जागरूक नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, जो लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं दोस्तों, उनसे घबराने की आपको ज़रूरत एकदम भी नहीं है, क्योंकि ये लोग कभी जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाए, हमेशा एक दूसरे का जले देखकर और बुराई करते रह गए। और आप पाएंगे कि ऐसे लोग कभी आगे बढ़ भी नहीं पाते। लेकिन आपके जीवन में ऐसे बुरे लोगों का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल
ओवर कॉन्फिडेंस लेवल की तरफ बढ़ेगा तो ये लोग उसको कंट्रोल करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो मुस्कुराते रहिए, और आगे की वीडियो में भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैंने गांव में और अधिक रोजगार को बढ़ावा देने का कार्य किया है।